नमस्कार, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। हाल ही में नासिक में हुए बस हादसे की तरह मीरा भाईंदर में भी इस तरह की घटना घट सकती है। भाईंदर पश्चिम के उत्तन रोड पर एक बड़ा कुआं है जहां कई महीनों से धंसा हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस कुएं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस कुएं को पूरी तरह से बैरिकेड से घेर रखा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अब क्या कोई घटना का इंतज़ार अब प्रशासन कर रहा है? आप देख सकते हैं कि भाईंदर के उत्तन रोड के बगल में एक बड़ा कुआं है। यहाँ कई साल पहले एक ST बस पलटी हुई थी, इसमें कई लोगों की जान गई थी। जिस तरह नासिक में घटना हुई है, उसी तरह मीरा भाईंदर में भी घटना हो सकती है। कई महीनों से यहाँ का रास्ता धस गया था, उसके बाद प्रशासन ने यहाँ बैरिकेड से रोक कर रखा है। प्रशासन को अभी तक इस घटना की चिंता नहीं है। जिस तरह से नासिक में घटना हुई है, क्या उसी घटना का इंतज़ार अब प्रशासन कर रहा है? अब ऐसी चर्चा बनी हुई है। साहेब का आता इथे म्हणतात का MMRDA मध्ये रस्ता गेलेला आहे, रोडचं काम चालू आहे, पण ठीक आहे, झालेला आहे, पण तुम्ही इथे पूर्वी लक्ष द्या, कारण इथे मोठी दुर्घटना होऊ शकते। कारण पूर्वी पण बरेच वर्षापूर्वी इथे झालेली आहे, या विहिरीमध्ये एक बस गेलेली आहे, ही अशी झालेली घटना का बरीच लोक याच्यामध्ये मेलेली आहेत। आणि आम्ही गावकरी आहेत, इथे सतत वाहनं चालू असतात, SLODकडे जवळ आहे, म्हणून ट्रॅफिक सतत इथे होत असते। आणि जसं मालेगावला आता झालेली आहे दुर्घटना, 27 लोक मेलेली आहेत, तसं इकडे ना व्हायला पाहिजे। म्हणून तुम्ही प्रशासनानं जाग घ्यावी आणि या विहिरीचं बंद करा, या तर इकडे काहीतरी ब्रिज बांधा, काहीतरी याचा उपयोग होईल। लोकांना पाणी आहे, ठीक आहे, पण लोकांचा जीव नाही गेला पाहिजे याच्यामध्ये। काहीतरी एक डिसिजन घ्या याच्यावर आणि लवकरात लवकर बंद करू।